राग अमर प्रिया बहुत ही खूबसूरत राग है और इसके रचनाकार है महान गायक उस्ताद आमिर खां साहब, जो कि मेरे आइडल रहे हैं, मेरी प्रेरणा स्थान पे बहुत ऊंची पायदान पे हैं उस्ताद आमिर खां साहब। उनकी गायकी के बारे में क्या कहें, मैं उनको बहुत सारे एस्पेक्ट्स में फॉलो करती हूँ और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनके एक इंटरव्यू में मैंने ये राग सुना। हालांकि उन्होंने बहुत विस्तृत रूप में इसे नहीं गाया था, सिर्फ आरोह अवरोह और उसकी थोड़ी बहुत उसका चलन बताया था। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अमर प्रिया में दो रचनाएं रची हैं। पहली धीमा तीन ताल, मध्य लय तीन ताल उसको कह सकते हैं, और फिर एक द्रुत रचना, द्रुत एक ताल में। और मेरा सौभाग्य है कि इंदौर में जो प्रोग्राम हुआ था आमिर खां साहब की स्मृति में, राग आमिर, तो उसमें ही मैंने पहली दफ़ा ये राग श्रोताओं के सामने गाया और उनके सुपुत्र शाबाज खान साहब भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इन दोनों बंदिशों को बहुत सराहा और आपके लिए ये राग अमर प्रिया, मैं थोड़ा बहुत इसका चलन आपको बताती हूँ। बहुत ही सरल और मधुर राग है। इसकी और एक पहचान या समझने में आसानी कब होगी, जब हम उसको ऐसे प्रतीत कर सकते हैं कि मधु का उस राग में कोमल गंधार के बजाय अगर हम शुद्ध गंधार का इस्तेमाल करते हैं तो राग अमर प्रिया हो जाता है। या फिर जो लोग वाचस्पति राग को जानते हैं, चंपाकली या वाचस्पति, उसमें से अगर हम धैवत और ऋषभ को वर्जित करके गाएं तो ये राग अमर प्रिया होता है। मैं इसके बोल आपको बताती हूँ। पिया बिन कल ना परत एरी सखीरी, अब तो उन बिन भई मैं बावरी। अंतर के बोल है, बाट निहारत सांझ सकारे, नहीं बिसरत पिया छबी सावरी। उसके बाद द्रुत एकताल में जो बंदिश है उसके भी बोल मैं अभी ही बता देती हूँ। आओ रे शाम दरस दिखाओ, व्याकुल मनवा ना तरसाओ। अंतरा है, तुम्हारी आस लगी मन में सावरे तुम ही, मिलन आस ना बढ़ाओ आओ रे शाम। ये द्रुत एकताल की बंदिश सुनते हैं अमर प्रिया। एरी सखीरी पिया बिन
Thank you.